हेलो दोस्तों, क्या आपकी भी एज 18 साल से 25 साल है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी एज 18 से लेकर 25 साल है तो इस टाइम पर आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे या फिर आप कहीं पर स्टडी करते होंगे। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज के टाइम पर आप क्या काम कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी जॉब या फिर स्टडी के साथ एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसे बेस्ट बिजनेस आइडियाज आपके साथ शेयर करूँगा जिसे आप अपनी जॉब या फिर स्टडी के साथ कर सकते हैं और यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सबकी सिचुएशन अच्छी तरह से समझ रहा हूँ और इसीलिए आज मैं आपको कोई ऐसा तरीका नहीं बताऊँगा जहाँ पर आपको 2 से लेकर 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि आज के टाइम पर आपके पास उतना पैसा नहीं होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पर दोस्तों, क्या आप अपने बारे में एक बहुत ही अच्छी बात जानते हो कि आज के टाइम पर आपके पास जो भी नॉलेज है उस नॉलेज की वैल्यू मार्केट के अंदर करोड़ों रुपये के अंदर हो सकती है। बस आपको एक ऐसा तरीका ढूंढना है जहां पर आप उस अपने नॉलेज को यूज़ करो और वहां से आपकी इनकम आना स्टार्ट हो जाए। और आज का ये वीडियो एकदम मैं आपके लिए सिंपल बनाने वाला हूँ। सिर्फ मैं आपको कुछ ऐसे बेस्ट तरीके बताऊंगा जहां पर आपको अपनी नॉलेज को यूज़ करना है और वहां से आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए एक अच्छी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो आज का वीडियो जरूर आपको अंत तक देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के ये सारे बिजनेस आइडियाज देख लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार पंचाल और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के बारे में बताता रहता हूँ। तो अगर आप भी अपना खुद का एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए और साथ में बेल का आइकन तो जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको आपके मोबाइल में मिल सके। और अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो दोस्तों, क्या आप इनको जानते हो? इनका नाम है रितेश अग्रवाल। अगर आप इनके नाम से नहीं पहचान सकते तो मैं आपको इनका काम बता देता हूँ। ये है CEO एंड फाउंडर ओयो रूम्स के। अभी आप इनको अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो ठीक उसी तरह अगर आप भी आज अपने नाम से नहीं पहचाने जाते तो कल आपको पूरी दुनिया आपके काम से पहचान लेगी। ये रितेश अग्रवाल है। इनकी एज आज के टाइम पर 2020 के अंदर केवल 26 साल है, 26 ईयर ओल्ड है। इन्होंने 2013 के अंदर ओयो रूम्स का एक स्टार्टअप स्टार्ट करा था। ठीक उसी तरह आप भी अपना खुद का स्टार्टअप आज के टाइम पर स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं आज के टाइम पर आपको ओयो रूम्स की नेटवर्थ के बारे में बताऊं तो इसकी आज के टाइम पर नेटवर्थ है $1.1 बिलियन। दोस्तों, रितेश अग्रवाल जी ने आज से लेकर 7 साल पहले अपना खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करा जब भी इनकी एज थी केवल 19 साल, और आज के टाइम पर यानी कि 26 ईयर की एज पर इन्होंने अपनी इतनी बड़ी कंपनी स्टार्टअप के रूप में बना ली है। ठीक उसी तरह यहाँ पर मैं आप सबको वही सजेशन देना चाहता हूँ कि आपको भी आज के टाइम पर अपने स्टार्टअप पर काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो मैं एक पूरा वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं आपको स्टार्टअप के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताऊँगा कि किस तरह किसी भी स्टार्टअप पर आपको काम करना स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो भी आपको रितेश अग्रवाल और उसी के साथ में ओयो रूम्स के बारे में पूरी केस स्टडी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप ये सारी चीज़ें देखते हो तो आपको भी एक अंदाजा आना चाहिए कि जब भी रितेश अग्रवाल की एज 19 साल थी तभी उन्होंने अपनी खुद की एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करी और आज जाके उसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी एज कम है तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। आपको इन्हें इंस्पिरेशन मानना चाहिए और आपको भी अपना खुद का स्टार्टअप आज से ही शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, क्या आपकी एज 25 साल से कम है? क्या आपको इन्वेस्टमेंट करने के अंदर इंटरेस्ट है? क्या आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो? तो ये नेक्स्ट बिजनेस आइडिया केवल आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि आजकल के जो भी यंगस्टर होते हैं उन्हें स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। उनको जानना है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसमें पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं। और दोस्तों, यही बात को ध्यान में रखते हुए आज के टाइम पर 5paisa ऐप आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आया है। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप स्टॉक मार्केट के बारे में सारी चीज़ें अच्छी तरह से सीख पाओगे
और उसी के साथ में अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे तरह के फीस देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर इस प्लेटफॉर्म और इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँ, तो अगर आप एक यंगस्टर हो, अगर आपकी एज 25 साल से कम है और अगर आप 5paisa ऐप पर स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर सबसे पहला बेनिफिट आपका ये होगा कि यहाँ पर आप अपना खुद का डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर आपको किसी भी तरह का ब्रोकरेज चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो या फिर आप डिलीवरी के रूप में ट्रेडिंग करो। इसके अलावा यहाँ पर जो भी डीमैट अकाउंट होता है वहाँ पर आपको AMC चार्ज यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देने की ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ पर 5paisa ने एक बहुत ही अच्छा ऑफर आपके लिए लेकर आया है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का AMC चार्ज देने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप डिलीवरी ट्रेड के अंदर सेल करते हो तो यहाँ पर आपको CDSL को कुछ चार्ज पे करने की ज़रूरत पड़ती है, जो बेसिकली चार्ज 15 रुपये के आसपास रहता है, पर यहाँ पर केवल आपको 5 रुपये पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, तो ऐसे में आपको यहाँ पर किसी भी तरह की फीस देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, आप ये सारे बेनिफिट 5paisa स्कूल ऐप की मदद से उठा सकते हो। बेसिकली ये एक लर्निंग एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको हर एक कॉन्सेप्ट पर केवल 1 मिनट वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिससे आप सभी कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपली और उसी के साथ में आसानी से सीख सको। दोस्तों, आप इस ऐप का यूज अपने एंड्रॉइड मोबाइल में करना चाहते हो तो इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कर सकते हो। अगर आप एक आईफोन यूजर है तो ऐसे में आप school.5paisa.com की वेबसाइट पर जा सकते हो और वहां से इस प्लेटफॉर्म का यूज करके स्टॉक मार्केट के बारे में कंप्लीट नॉलेज सीख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको इनका पूरा कॉन्सेप्ट पसंद आया तो आज ही आप यहाँ पर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और दोस्तों, डीमैट अकाउंट ओपन करते टाइम आपको ये वाला प्रोमो कोड जरूर यूज करना चाहिए, यंग वेस्टर। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो यहाँ पर आपको ये सारे बेनिफिट उठाने को मिल जाएंगे। और 5paisa ऐप पर जाने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आज ही आप वहां पर जाइए, अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करें और यहाँ पर सारी चीजें अच्छी तरह से सीखने के बाद स्टॉक मार्केट से अच्छी अर्निंग करें। दोस्तों, इसके अंदर नंबर 3rd बिजनेस आइडिया आपके लिए ये होने वाला है कि सोशल मीडिया मैनेजर। आप एक सोशल मीडिया मैनेजर भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी एज 18 से लेकर 25 साल है तो आज के टाइम पर आप अपना पूरा टाइम सोशल मीडिया के ऊपर ही बिताते होंगे। ऐसे में आपको पता ही होगा कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो ऐसे में आज के टाइम पर हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे बिजनेस ऑनलाइन हो रहे हैं और उन सभी बिजनेस को अपने लिए एक सोशल मीडिया मैनेजर की ज़रूरत होती है, जो उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को अच्छी तरह से हैंडल कर पाए, वहाँ पर जो भी क्वेरी आती है उसे सॉल्व करे, इसके अलावा उनको कोई भी कमेंट आती है तो उसका रिप्लाई दे, इसके अलावा हर पर डे वहाँ पर अलग अलग तरह की पोस्ट करनी होती है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती है तो आप एक सोशल मीडिया मैनेजर भी किसी कंपनी के लिए बन सकते हो। और इसके लिए अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी कंपनी मिल जाएगी जिनके आप सोशल मीडिया मैनेजर बनके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों, इसके अंदर नंबर 4 पर है ब्लॉगर या फिर यूट्यूबर। आप एक ब्लॉगर या फिर एक यूट्यूबर बन सकते हो। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेके पैशन है या फिर आप लोगों को कोई भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और अगर आपको लिखने का शौक है तो आप एक ब्लॉगर बन सकते हो, और अगर आपको मेरी तरह वीडियो शूट करने का शौक है तो आप एक यूट्यूबर बन सकते हो और यहाँ से आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। अगर आप एक ब्लॉगर बनते हो तो वहाँ पर आपको गूगल एडसेंस इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग होती है, और अगर आप एक यूट्यूबर बनते हो तो इसके लिए केवल आपको अपने पास एक मोबाइल फ़ोन होने की ज़रूरत है। आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके वीडियोस बना सकते हो, लोगों के साथ अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो और गूगल एडसेंस के जरिए और इसके अलावा स्पॉन्सरशिप के जरिए अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ब्लॉगिंग और यूट्यूबिंग के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, तो उसके ऊपर भी मैं जरूर आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों, इसके अंदर नंबर 5 पर है फ्रीलांसर। आप एक फ्रीलांसर बन के भी अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आप अभी के टाइम पर स्टडी कर रहे हो तो उसी के साथ में आपको एक स्किल बेस्ड कोर्स करना होगा, जैसे कि फोटोशॉप हो गया, इसके अलावा एडोब इल्यूस्ट्रेटर हो गया, इसके अलावा वीडियो एडिटिंग के काफ़ी सारे कोर्स आते हैं, अकाउंटिंग के कोर्स आते हैं, सोशल मीडिया मैनेजिंग के कोर्स आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स आते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक कोर्स आप सीख लेते हो और उसके बाद में उस कोर्स से बेज अगर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर अपना खुद का एक अकाउंट बनाते हो
और वहाँ पर अपने क्लाइंट्स के लिए अपने नॉलेज के हिसाब से वर्क करके देते हो, तो आप फ्रीलांसिंग वर्क से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं फ्रीलांसिंग वर्क के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मेरे को बता सकते हो, तो उसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।